हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु एंड वेलकम बैक टू दिस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट फॉर बिगनर सीरीज़। तो हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो नाउ फंक्शन में हम लोग दो टाइप को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है लैम्डा फंक्शन और सेकेंड टाइप हमारा क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो क्या है दोनों चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये दो जो हमारे पास लैम्डा फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारे एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो आप लोग इस ट्यूटोरियल को अच्छे से फॉलो करिएगा। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। ओके, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में फंक्शन डिफाइन किया था। तो बेसिकली वो फंक्शन कुछ इस प्रकार था, फंक्शन सम ए, इसका टाइप था इंट, बी ओके। तो हम लोग यहाँ पे दो पैरामीटर्स को ले रहे थे, ए का डेटा टाइप था इंटीजर टाइप और उसको हम लोग सम करके यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप इंट था। ओके, तो नाउ इस फंक्शन को हम कैसे लैम्डा फंक्शन में करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो हम लोग प्राइवेट वैल ओके, तो आप लोग प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसको सिंपली रिमूव कर देता हूँ। ओके, वैल सम सम ऑफ टू नम ओके। तो नाउ तो मुझे ये फंक्शन को लैम्डा फंक्शन बनाना है। तो ओके, तो मैं इसको कल पहले कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके, तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन है, हम लोग इसी काम को यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो ये जो फंक्शन हमारा है इसको बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। तो पहले हम लोग अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे हम लोग एक कॉलन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग एक ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, देख रहे हैं ना आप। तो ये ब्रेसेस के अंदर बेसिकली आपका जितना भी पैरामीटर्स है, आइदर वो दो हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है, जितने भी हों, आपको यहाँ पे केवल डेटा टाइप्स उसके लिखने हैं। ओके, तो मेरे केस में क्या है, इंटीजर टाइप, क्योंकि यहाँ मेरा जो ए है वो इंटीजर टाइप है, बी है वो भी मेरा इंटीजर टाइप है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग एरो प्रोवाइड करते हैं और उस एरो के बाद हम लोग लिखते हैं जो हमारा डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, हमारा लैम्डा फंक्शन। तो हमारे केस में हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है इंट, मीन्स इंटीजर टाइप। नाउ हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको ऐड करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अपने फंक्शन में ये तो मालूम कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट होगा वो हमारा इंटीजर टाइप का होगा, मीन्स दोनों हमारे जो पैरामीटर्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे और रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर होगा। नाउ हमारे पास वेरिएबल कौन से होंगे, मीन्स हम लोग ऐसा तो है नहीं इंट प्लस इंट करके इंट वापस कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक जो मेथड है वो ये है कि हम लोग सिंपली इक्वल टू के बाद यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं और सॉरी पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, और ठीक इसका रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इंट है तो उस इंटीजर का नाम क्या है बेसिकली, तो वो ए है, इंटीजर टाइप नाम बी। ओके, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट है, मीन्स रिटर्न टाइप है। तो यहाँ पे हम लोग एरो लगाए और ये जो हमारा रिजल्ट टाइप है, जो मींस रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा, वहाँ की जो बॉडी होगी वो यहाँ पे होगी। ओके, तो मेरे केस में क्या है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न थिंग का मैं यूज़ नहीं कर सकते, मींस नहीं करते बेसिकली, ये ऑटो अंडरस्टैंडेबल है इस लैम्डा फंक्शन को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि मेरा रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। तो यहाँ से सिंपली जब ये सम हो जाएगा तो उसको पिक कर लेगा। ओके, तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन होता है। नाउ अभी मैं इसको अपने टेक्स्ट व्यू में इसका जो रिज़ल्ट होगा उसको सेव करूँगा। तो रिज़ल्ट डॉट टेक्स्ट और मेरा फंक्शन का नाम क्या है, सम ऑफ टू नम। सो सम ऑफ टू नम
तो इसमें हमारे पास दो इंटीजर हैं, तो मैं कहता हूँ 12, 24। ओके, तो नाउ ये मेरे पास रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, तो सिंपली आप इसको कंट्रोल शिफ्ट पी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और मुझे चाहिए क्या, स्ट्रिंग। तो मैं इसको सिंपली कन्वर्ट कर लेता हूँ स्ट्रिंग में। ओके, नाउ इट्स फाइन, और मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ओके, तो मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है, मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं 12 + 24 = 36। तो बेसिकली ये हमारे पास अप्रोच है लैम्डा फंक्शन को बनाने की। ओके, तो अभी आपको करना क्या है, स्क्रीन को पॉज करिए और आप लोग क्रिएट करिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, ये तीनों फंक्शन का आप लोग लैम्डा फंक्शन को यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे उसका बटन क्लिक पे रिजल्ट को शो कराइएगा अपने टेक्स्ट व्यू पे 1 by 1। मीन्स ऐसा नहीं कि आप सब एक रिजल्ट एक साथ लिख के और सिंपली शो करा दिए, वो नहीं करना है आपको। सिंपली एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखना है, रन करना है एप्लीकेशन, बटन पे क्लिक करना है। तो यदि आपका रिजल्ट सही है तो इट्स फाइन, अगर नहीं है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो जब आप लोग डिवीज़न करेंगे तो मेक श्योर करिए आपका जो यहाँ पे डेटा टाइप होगा वो डबल होगा और यहाँ पे रिटर्न टाइप भी डबल होगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस आवर लैम्डा फंक्शन, और हम लोग चलते हैं अपने हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। ओके, तो बेसिकली ये हमारा सिंपल फंक्शन है। नाउ अभी मुझे इसी फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो सिंपली सिंटैक्स सारे सेम है। तो बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अपने डेटा टाइप के साथ एक लैम्डा फंक्शन को भी पास कर देते हैं और उस लैम्डा फंक्शन को यूज़ करके हम लोग बेसिकली उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये। तो मैंने अपने सम नाम के फंक्शन में एक इंटीजर टाइप का ए और एक दूसरा इंटीजर टाइप का बी पास किया है। नाउ अभी मैं पास करूंगा अपना फंक्शन। ओके, तो सी, तो वो मेरे पास आर्गुमेंट लेगा दो इंटीजर टाइप का, और रिटर्न टाइप क्या होगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारे जो लैम्डा फंक्शन होता है यहाँ पे उसका डेटा टाइप, जो इनपुट डेटा टाइप होता है वो लिखते हैं और यहाँ पे उसका आउटपुट किस टाइप का है वो लिखते हैं। तो मेरे केस में क्या होगा, इंट। ओके, तो बजाय यहाँ पे रिटर्न कॉल करने के मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे अपने सी को कॉल करूँगा और मैं ए और बी को पास कर दूँगा। ओके, तो अभी मैं ये फंक्शन को अपने इस बटन क्लिक के इवेंट के अंदर हैंडल करता हूँ, मीन्स कॉल करता हूँ। तो चलिए कॉल करते हैं। तो सिंपली क्या नाम है इसका, सम, और मैं चाहता हूँ 10, 20 इसका सम। नाउ ब्रेसेस का यूज़ करूँगा, और जो हमारा पहला टाइप है वो है ए, सेकेंड टाइप है बी। ओके, तो सिंपली मैं इस ए प्लस बी को ऐड करके रिटर्न करूँगा, तो ए प्लस बी। ओके, तो इस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मैंने क्या किया, सिंपली आप ऐसा देखिए कि मैंने इसी चीज़ के दो टुकड़े किए, मींस बंटवारा किया, और ये जो हिस्सा है ये मैंने पास करते टाइम ही यहाँ पे दे दिया, और ये जो हिस्सा है ये मैंने इम्प्लीमेंट करते टाइम कर लिया। बस यही है लैम्डा हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा। ओके, तो यदि आपको यहाँ पे कोई सजेशन मिलता है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे मेरे में मिल रहा है। तो मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो ये जो ब्रेसेस है इसके बाहर ये मेरा लैम्डा फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो सॉरी। ओके, तो ये हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन है। ओके, तो आप लोग को अभी क्या करना है, जो काम आपने लैम्डा फंक्शन में किया था डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का, वो आप लोग इस हाई ऑर्डर फंक्शन में करिएगा। ओके, तो यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा यदि आती है तो। ओके, तो इस तरह से हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन और ये लैम्डा का फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, तो
फाइन, तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, और अगले ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ और बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, लिस्ट के बारे में बेसिकली बात करने वाला हूँ मैं अगली वीडियो में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।